तो एक बार मैं ऐसे ही अपनी सिटी में घूम रहा था, ऐसे ही जा रहा था पैदल अपने ओल्ड हाउस की ओर, तो भाई एक चीज मेरे साथ हुई जो कि मुझसे भी नहीं पता। आराम से मैं सड़क पे भागता हुआ जा रहा था अपने ओल्ड हाउस और आगे एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। उसके बाद क्या हुआ देखो भाई, तो उसने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैंने भी उसे मारना स्टार्ट कर दिया। दोनों के बीच बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई, पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं किया मैंने। हाँ एक चीज हो सकती है, मेरा एक छोटा भाई है, अगर तुमने वो वाली वीडियो देखी है जिसमें मेरे छोटे भाई ने मुझे बचाया था, वो सेम टू सेम मेरे जैसा लग, शायद उसने पुलिस वालों को मारा होगा, कुछ पुलिस वालों को वही मुझे समझ के मुझको मार रहे हैं कि इसको मार डालते हैं। तो गाइज मैं भी उनको हैवी हो गया, आई एम टू गैंगस्टर बिकेम, हम लोग वापस आ चुके हैं। बट गाइज वो पुलिस वाला बहुत ज्यादा ही खतरनाक स्पेशलिस्ट था, जिसने कि मुझे बहुत जोर से मारा और नीचे ही गिरा दिया, बेहोश हो गया मैं। जब मैं बेहोश होके उठा तो सबसे पहले मैं गया पुलिस स्टेशन, सबसे पहले मुझे जानना है ये क्या चीज है भाई। उस पुलिस वाले ने ये कहो कि मुझे जान से नहीं मारा, तो वैन आज हम लोग दिमाग खराब हो गया मेरा बहुत तगड़े से। सबसे पहले तो ये पुलिस स्टेशन को कवाड़ा कर दूंगा, सबसे पहले तो इनसे बातचीत करता हूँ, सालों किस किस बात की, कौन है वो जिसने साले औकात की बात कर दी और हमको तो पेल पेल रहे हो। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं, इनके रिसेप्शन पे चढ़ के, हाँ बेटा बता तो सबसे पहले अपनी। ऑलराइट गाइस, उसने कहा है कि भाई तुमने बहुत सारे पुलिस वालों को यहाँ पे आके मारा था, बिल्कुल तुम ही थे, बस इसी पे अटके पड़े हैं। मैंने कहा भैंस की टांग, मैं नहीं था। उसने कौन से कपड़े पहने थे, उसने कहा ये वाले कपड़े नहीं पहने थे, दूसरे पहने थे। तो मैंने कहा साले मेरे यही कपड़े हैं, मैं और नहीं पहनता। उसने कहा, मैंने फिर पता लगा लिया कि हाँ भाई ये छोटा भाई है मेरा। तो ठीक है भाई, मैं चला गया घर पे, बट इनको कुछ भी कंफर्म नहीं है ब्रो। मुझे पता है कि छोटा भाई है, बट मैं उसको अभी नहीं बताऊंगा। बट गाइस ये अभी भी मान नहीं रहे, कहे कि तुम ही हो और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब सबसे पहले भाई हम लोग निकलते अपने घर पे, और जैसे ही मैं अपने घर पे एंटर करने के लिए स्टार्ट हुआ तो वहां पे भी बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए थे झुंड बना के। और जैसे ही मैं कार से नीचे उतरा गाइस, सबने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया ब्रो। इतना मारा कि मैं फिर से मुझे बेहोश कर दिया, पता नहीं इतना बुरी तरह मारा कि बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, सारा सिस्टम ही हिल गया था रो। उसके बाद वो पुलिस वाले भाग गए, पता नहीं क्या हुआ, बट हमको बेफालतू में इतना बुरा पीटा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो गाइज उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया, बहुत तगड़े से गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा कि तुम समझ लो कि दिमाग खराब हो गया। हाँ मेरे पास एक आइडिया आया, एक नल है जो जाइंट नल है इंडस्ट्रियल एरिया पे, वहां पे वो इंडस्ट्रियल वालों ने लाया था कि उनको पानी की जरूरत थी, नदी से पानी निकालना था, भरना था कहीं और पे, तो वो सिस्टम उन्होंने बनाया था। हम लोग वही नल लाएंगे, सारा का सारा पानी भर डालेंगे पुलिस स्टेशन में और पुलिस स्टेशन को ओवरफ्लो कर देंगे, जिससे कि ये भी खत्म हो जाए और इनको बाहर निकलने का मौका भी नहीं देंगे, अंदर ही खत्म कर डालेंगे, पानी भर देंगे ऊपर तक। तो गाइस फाइनली रिसर्च वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, मेरी बातचीत हो चुकी है क्लाइंट से और उसने कहा है कि लेकर जा सकते हो, तुम्हें एक ट्रक की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा हाँ ट्रक की कोई बात ही नहीं, ले लेंगे बेटा। तो उसके बाद मैं निकल पड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के पास, क्योंकि मुझे जाना था उस बड़े वाले नल को उठाने के लिए। वो नल इतना भारी है कि उसको एक ट्रक लगेगा उठाने के लिए, मान सकते हो तुम, एक ट्रक लगेगा। सामने कार शोरूम है, कार शोरूम के पास ही है इंडस्ट्रियल एरिया। फाइनली गाइस हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में आ चुके हैं, अब मैं देखने वाला हूँ वो नल लगता कैसा है ब्रो, मैं तो पहली बार ही देखूंगा ये चीज। सबसे पहले तो मैं ट्रक लेकर आता हूँ ब्रो, ट्रक की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ गई है। ऑलराइट गाइस मैं ट्रक लेकर आ चुका हूँ, तो इस नल को लोड करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, काम बहुत ज्यादा भारी होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑलराइट गाइस, तो व्हेन आप लोग देख सकते हो ये है अपना जायंट नल, देख सकते हो ये पूरे ट्रक से भी कितना ऊंचा है। ओ ब्रो हम लोग ट्रक में इसको लेके जा रहे हैं, क्या अलग फील है ब्रो, कितना बड़ा जायंट नल है ब्रो, चलो जल्दी से इसको लेके चलते हैं। ऑलराइट गाइस भाई फुल लोड भरा हुआ है ट्रक के पीछे, इतना लोड है तुम्हें बता नहीं सकता मैं, और लेके जा रहे हैं हम लोग सीधा अपने पुलिस स्टेशन के। ये काम करेंगे रात को, ओ ओ ओ आराम से ये काम रात को करेंगे, सुबह तो पुलिस स्टेशन ओपन रहता है, रात हो जाएगी तो वो चले जाएंगे, फिर हम लोग पानी भरेंगे। तो गैस आगे थोड़ा है, आगे वो देखो पुलिस स्टेशन दिख रहा है ना, वहीं से जाएंगे, दिमाग खराब कर देंगे ब्रो आज तो। भाई ये भी नहीं पता इनको कि कौन बंदा इनको कैसे मारता है, वो दूसरों को पकड़ के मारते हैं। और जो ये चीज है ना, ये पहले भी हो चुकी है, इन्होंने एक बार मुझे पहले भी धरा हुआ था, और फिर तो पता ही है भाई दिमाग खराब मैंने पहले भी किया था, आज कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया, तो आज तो खत्म ही कर दूंगा। ट्रक यहाँ रख देते हैं। एंड गाइस तो है ना, आप लोग देखो हमारे घर से भी बड़ा जायंट नल है, अब भाई इसको उतारना आसान नहीं है, इसके लिए एक क्रेन चाहिए, जेसीबी चाहिए ब्रो, नेक्स्ट लेवल देखो तो, क्या अलग ही है ब्रो। अब इसको लगाएंगे, थोड़ा रात होने देते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइज रात हो चुकी है, सारी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, अब हम लोग करेंगे अपना काम, ठीक है। अब भाई माहौल उठा देंगे, जो भी कह लो
माहौल उठा देंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो गेट है ना अपने पुलिस स्टेशन का, इसको ब्लॉक कर देंगे, पानी बाहर ना जाए, क्योंकि ये जो गेट मेन गेट है वो ओपन है, इसको ब्लॉक करेंगे, कोई रैंप वगैरह लगा के सिस्टम है मेरे पास वो लगाएंगे, बंद करेंगे, क्योंकि पानी बाहर गया तो फिर तो दिमाग खराब हो ही जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा वॉल, तो यहाँ पे हम लोग खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आरजीएस टूल पे लिखूंगा W2 लिखेंगे तो वॉल आ जाएगी हमारी, थोड़ा सा आगे हो जाते हैं ऐसे करके, ये हमारी वॉल लग गई ब्रो, ठीक है। आराम से इसको ब्लॉक करेंगे इसके इस वाली रोड को, ठीक है, ब्लॉक हो गई काम हो गया, ठीक है ब्रो। इसको हम लोग यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे सीधा मोड ऑफ कर देंगे। दिमाग खराब कर दिया ना, अब तुम समझो, बट अब तुम माहौल देखना, कुछ भी नहीं देखना, अब तुम सुबह होने दो, रात को पूरा काम करेंगे। दीदी हट जाओ यहाँ से, दिमाग खराब हो जाएगा, सुनामी आ गई तो कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। हम लोग रात पे काम करेंगे, ये पूरा काम, पूरा माहौल सेट करेंगे, और सुबह दिखाऊंगा आपको मैं पूरा माहौल। ऑल राइट गाइज, हमारा ये नल पूरी रात चला है ब्रो, देखो क्या माहौल हम लोगों ने उठाया, सारे के सारे पुलिस वाले हम लोगों ने समाप्त कर दिए हैं। ये नल देखो अभी भी चल रही है, इसको बंद नहीं करूंगा, ये पूरा सुनामी ले आएंगे अपनी सिटी में, देखना। सारे के सारे जितने भी पुलिस वाले थे, पूरी फौज आ गई थी, और ये बाहर नहीं निकल पाए, इतना तगड़ा पानी ये नल दे रहा है ब्रो, बिल्कुल इतना ज्यादा पानी कि फ्रैंकलिन को ऊपर बैठना पड़ रहा है, अगर फ्रैंकलिन गलती से नीचे गिरा तो ये भी खत्म हो सकता है। तो गाइस सारे के सारे पुलिस वाले यहाँ पे देखो नीचे खत्म हो गए, सारी लाइट्स टूट के अंदर गिर गई हैं, पानी ओवरफ्लो होने पे बस अटका पड़ा है, कभी भी ओवरफ्लो हो सकता है भाई, सब आप लोग देख सकते हो। जितने भी पुलिस वाले थे बहुत चौड़ दिखा रहे थे, अंदर पूरा पुलिस स्टेशन भर दिया है मैंने। तो गाइस फ्रैंकलिन को अच्छा खासा मजा आ रहा, वो देखो भाई क्लैपिंग तो भाई बनती है ब्रो, सी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा, ये तुम जानो। जेल के अंदर देखो ब्रो, जेल के अंदर इतना पानी भर गया तुम खड़े भी नहीं हो सकते, अंदर देखो ये रिसेप्शन, ओ ये जिंदा है, जिंदा है ये, सही है ब्रो, कुछ कह नहीं रहा, पता नहीं शायद खत्म हुआ होगा, पानी ओवरफ्लो बस होने ही वाला। तो वैन आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, और फ्रैंकलिन के लिए एक लाइक बनता है, उसने रिवेंज लिया है। और आप लोग इस नल देखो, ये वाला जो जाइंट नल देखो गाइस, नेक्स्ट लेवल ब्रो, नेक्स्ट लेवल। वैन वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। वैन हम लोग मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो, तब तक खेलिए, टाटा बाय।